ठीक है। अब आता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बताऊंगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड इसका सब टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए। अब एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। देखिए, हर इंस्ट्रक्शन एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हर इंस्ट्रक्शन एक एड्रेस परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात ये हो रही है, इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑपरेशन को बताने वाला है कौन है, ऑपकोड। पर ऑपकोड काम किस पे करेगा, डेटा पे। पर डेटा सोर्स क्या है, डेटा का सोर्स क्या है, दैट इज द मेन पार्ट। अगर मैं बात करूं आपका डेटा कहां है, वो चीज को स्पेसिफाई करने वाली यूनिट को एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा ऐड कर दो डेटा को, अब डेटा कहां रखा हुआ, क्या डेटा खुद चल के आया ऐड होने के लिए, क्या डेटा किसी रजिस्टर में रखा हुआ था, क्या डेटा किसी एड्रेस पे रखा हुआ है, क्या डेटा किसी इनडायरेक्ट एड्रेस की तरह बिहेव है। तो ये सारी चीजों को बताने वाली यूनिट एड्रेसिंग मोड्स कहलाती है। काम ऑपरेशन डेटा पे ही होगा, ये मत घबराइए कि यहां पे कुछ और हो गया, ऑपरेशन डेटा पे ही होगा, पर उस डेटा का सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज को डिफाइन करने के लिए हमने एड्रेसिंग मोड्स बताए। क्लियर बात हो गई है, नहीं आई? तो वेरियस मेथड्स, बहुत सारे के मेथड है जो हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा को। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जस्ट लाइक एक लड़की बोली कि भाई को राखी बांधने जा रही हूं, भाई को राखी बांधने जा रही हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, भाई, अब ये भाई जो है इसके डिफाइन डिफाइन वेरियस मेथड्स हो गए भाई को डिफाइन करने के, चचेरे भाई, मम्मेरे भाई, मौसेरे भाई, फुफेरे भाई, ठीक है, ये बहुत सारे भाई हो गए। तो अलग अलग मेथड्स हो गए भाई को स्पेसिफाई करने के हमारे। तो डेटा को भी स्पेसिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, डेटा को स्पेसिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो नॉर्मली हमारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड्स। तो ऑपरेंड क्या डिफाइन करता है, ऑपरेंड डेटा डिफाइन करेगा सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, मेमोरी, और मेमोरी कभी कभार डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर देता है। क्लियर है, जैसे MBI A05। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 05 जो है वो डेटा है, खुद डेटा है, ठीक है। पर अगर हम जैसे देखें मूव B, C, अब मूव B, C का मतलब क्या है, सी का डेटा भी मैं डाल दू, ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। तो मतलब सी का डेटा, मतलब डेटा सी में छुपा हुआ है, पर आपने उस डेटा को नहीं लिखा, आपने सी का नाम लिख दिया, आपने उस डेटा को नहीं लिखा, आपने सी लिख दिया। कायदा तो वही है कि सी का डेटा भी मैं डाल दो, बोला तो यही क्या है, सी का डेटा भी मैं डाल दो। तो बात तो यही है कि सी थोड़ी जा रहा है, सी का डेटा जा रहा है, पर आपने इंस्ट्रक्शन में सी का डेटा ना लिख के सी वर्ड लिख दिया। तो यहां पे सोर्स कौन हो गया, रजिस्टर हो गया, मतलब डेटा आपका सी में है। क्लियर हो गई बात, यही हुई। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका जो सोर्स है, आपका डेटा का सोर्स है, वो एड्रेसिंग मोड डिफाइन कर रहा है कि डेटा आएगा कहां से, जिस पर ऑपरेशन होना है। नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, और एक होती है इंप्लिसिट एड्रेसिंग। ये पांच तरह के आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इमीडिएट एड्रेसिंग, और एक और होता है इंप्लिसिट एड्रेसिंग, ठीक है। ये पांच तरह के एड्रेसिंग मोड्स हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं, ठीक है। बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग की। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब क्या है, ऑपरेंड या यूं बोलो जो नंबर है आपने जो ऑपरेंड में बताया है वो खुद एक डेटा है। मतलब किसी इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा खुद जा रहा है, चाहे वो 8 बिट का हो चाहे वो 16 बिट का हो, डेटा खुद डेस्टिनेशन की तरफ चल के जा रहा है, तो मतलब सोर्स यहां पे कोई नहीं है, सोर्स खुद डेटा है, खुद जाऊंगा, तो उसको कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। और इसकी पहचान होती है, इसमें आई वर्ड जो है वो डिफाइन करता है कि मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का हूं, आई। अब ये फास्टर है, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली बात है, अगर मैं एक एग्जांपल ले आपको, जैसे एक ऑक्सीजन की बात करें,
दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन मांग रही है, ठीक है, वो केंद्र सरकार से मांग रही है, मतलब घर की घर में मांग रही है, इंडिया में ही मांग रही है, तो उसे कहते हैं रजिस्टर से मांग रही है, ठीक है। अगर वो विदेश से दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन मांगती तो मतलब वो मामूली बेस हो जाता, एक्सटर्नल हो जाता, पर अगर केंद्र सरकार बिना मांगे यूं कह देते कि ले ऑक्सीजन तुम पकड़ो, तो वो तीनों में से कौन सा काम फास्ट है? अगर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांग रहे वो फास्ट है, बाहर से दूसरे देशों से ऑक्सीजन मांगा वो फास्ट है, या केंद्र सरकार हमको बिना मांगे खुद ही ऑक्सीजन दे देती तो वो फास्ट है, डेफिनेटली बात है थर्ड ऑप्शन फास्ट है। तो यहां पर डाटा जब खुद चल के आ रहा है, ठीक है, वो खुद डाटा बस पे बैठ रहा है तो दैट इज फास्ट है, ठीक है। इसमें ऑपरेंट का एड्रेस एब्सेंट होता है क्योंकि कोई एड्रेस आपने नहीं बताया है, ऑपरेंट का कोई एड्रेस ही नहीं है, डेटा खुद चल के आ गया, तो ऑपरेंट का एड्रेस नहीं है मतलब डेटा का कोई एड्रेस ही नहीं है, डेटा खुद चल के आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट काम होता है इसलिए इसको इमीडिएट बोला गया। जैसे MBI A80H, MBI B02H, LXI B3040H, ठीक है, तो यहाँ पे आई वर्ड है तो इमीडिएट तो है ही, ठीक है। और ये जितने भी नंबर जो मैंने स्पेसिफाई कर रहे हैं ये सब डेटा है, 0880 डेटा है, 02 डेटा है, 3040 हमारा एक डेटा है, क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई, अब ये चाहे डेटा हमारा बाद में कुछ भी यूज हो प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर इसको एड्रेस भी बोल सकता है, प्रोग्रामर इसको डेटा भी बोल सकता है, ये प्रोग्रामर के ऊपर है, पर अभी हमारे लिए क्या है, ये अभी डेटा है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं डेटा 80H खुद एक्यूमुलेटर में चल के जा रहा है तो इसे कहेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग, क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई, चाहे हम देख लेते हैं इसको, अगर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम यहां पे MBI A, 80H, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखना यहां पे क्या होता है, ये देखिए ए के अंदर 80 आ गया या नहीं आया, आप देखेंगे ए के अंदर 80 आ चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, तो डाटा खुद चल के गया था, दैट इज अ पार्ट। अगर मैं यहां पे LXI B जैसे मैंने अभी बताया, ये देखिए आप LXI B 3213H, यहाँ पे 16 बिट का नंबर दे दिया मैंने, 16 बिट का डेटा खुद आया है, और B और C को एग्जीक्यूट करूंगा तो LXI B का मतलब है डेटा देखिए 3213, ये बी सी में आ गए, 13 तो बी में सी में चला गया और 32 बी में चला गया, अपर बाइट जो जाती है बी में और लोअर बाइट गई सी में, क्लियर होगी बात? चलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ये कहता है हमारा कि जो ऑपरेंड है वो हमारा एक रजिस्टर में बैठा हुआ, मतलब हमारा जो डेटा है जो ऑपरेंड है वो हमारा एक रजिस्टर की तरह स्पेसिफाइड हुआ है, हमने ऑपरेंड को क्या बोला है, एक रजिस्टर है, जो यू बोलो हमारा जो डेटा है वो एक रजिस्टर में है। तो जब हमें किसी रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है या कोई ऑपरेशन हमें उस डेटा पे करना है जो रजिस्टर में स्टोर्ड है तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, मैंने बोला मूव ए कॉमा बी, बी का डेटा ए में डाल दो, तो बी एक रजिस्टर है जिसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, राइट है, तो यहाँ पे आपने डेटा तो नहीं बताया कि डेटा क्या है, आपने उसका रजिस्टर का नाम बता दिया जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे मैं बात करूं एड डी, एड डी का मतलब होता है ए प्लस डी, एक्यूमुलेटर के डेटा को डी के डेटा से जोड़ दू, अब यहाँ आप डी का डेटा तो नहीं बता रहे ना, आप तो डी लिख रहे हो, आपने डी का डेटा थोड़ी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, तो डी लिखते ही वो अपना आप समझ गया कि मुझे इसके डेटा को यूज करना, पर आपने यहाँ पे उस डेटा का नाम ना लिखे उसका रजिस्टर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मूव ए कोमा बी, आपने बी का डेटा ए में दिया, अच्छी बात है, और बी में क्या पड़ा हुआ है, जैसे सपोज करो 80 पड़ा हुआ है, तो फाइनली आंसर तो क्या होगा, 80 ही जाएगा एक्यूमुलेटर में, जाएगा 80, पर लिखने का तरीका आपने बी लिखा था यहाँ पे, मतलब यहाँ बी लिखने से वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि बी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ले जाना है, बी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर काम करना है, पर हम उस डेटा को नहीं लिख रहे, हम उसके रजिस्टर को लिख रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? मतलब ऑपरेंड में आपने एक रजिस्टर को स्पेसिफाई करा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर है? चलिए आगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सपोज करिए जैसे लाइक टेक द एग्जांपल, मैं अगर किसी बच्चे की बात करूं, मान लो किसी बच्चे का घर का पता क्या है, C45 C45 शांति कुंज किसी बच्चे के घर का पता है, और मैं उस बच्चे को बुलाना चाहता हूं। सपोज करो वो बच्चा जो है वो मेरी तरफ आया, ये मैं चाहता हूं, पर मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि C45 में जो बच्चा रहता है वो मेरी तरफ आया। मैंने ये बोला, मैंने उस बच्चे का नाम भी नहीं लिया, मैंने उसका पता बोला, पता, ठीक है। तो जब हम किसी ऑपरेंड में एक एड्रेस को स्पेसिफाइड कर दें, किसी ऑपरेंड में हम एक डायरेक्ट एड्रेस को स्पेसिफाइड कर दें, मतलब जो हमारा डेटा है वो उस एड्रेस से उठ के आएगा जो आपने ऑपरेंड में बताया है, या किसी एड्रेस पे हमारा डाटा चला जाए, ये भूल गए, मैं ये नहीं कह रहा आ रहा है, किसी एड्रेस पे हमारा डाटा चला जाए। जैसे आप चिट्ठी लिखते हो, तो चिट्ठी में आप घर का पता लिखते हो, आप उसके पते के ऊपर उसका भले ही आदमी का नाम लिख देते हो, पर जो डाकिया होता है उसको उस आदमी से मतलब नहीं होता, वो तो चिट्ठी पते पे डाल के आता है। अब उस पते पे जो आदमी है वो उसको एक्सेस कर लेगा, वो डेटा था। मान लो आपने एक चिट्ठी लिखी जो मेरा डेटा है, वो आपको फलाना आदमी को देनी है, पर आप जब चिट्ठी भेजते हो तो फलाने आदमी से ज्यादा आपको कंसर्न किसका है, उसके एड्रेस का है, कि उस एड्रेस पे जाके भैया मेरा ये डाटा पट के आओ। लेगा तो आदमी, उसको लेगा तो आदमी, पर हमने पता स्पेसिफाई करा चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। तो बात ऐसे ही है, अगर हमें कोई चीज लेनी है तो हम पते से लेंगे, पते से लेंगे। जैसे जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, आपको दीपक सर से मिलना है, ठीक है, दीपक सर से मिलना है, तो आप मेरा पता पहले देखोगे, पते को देखोगे आप, तब जाके मेरे पते पे आके फिर आप मुझसे मिल पाओगे, विदाउट एनी एड्रेस आप आ ही नहीं सकते मेरे पास। तो यहां पर आपने जो ऑपरेंड स्पेसिफाई करा, चाहे आने के लिए चाहे डेटा जाने के लिए, आपने ऑपरेंड एक एड्रेस स्पेसिफाई करा, और उस एड्रेस पे अगर कोई डेटा रखा हुआ है उसके साथ ऑपरेशन होगा, चाहे वो डेटा ट्रांसफर हो चाहे वो कोई ऑपरेशन है। क्लियर हो गई बात ये हुई? जैसे LDA 2000H हमारा क्या कह रहा है, लोड एक्यूमुलेटर 2000H। अब कहने का मतलब क्या हो गया, 2000 पे जो डेटा पड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे 80 पड़ा हुआ, 2000 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो आपने स्पेसिफाई क्या करा है, आपने स्पेसिफाई करा है एक एड्रेस। क्लियर हो गई? अगर आप ऑपरेंड में एक एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हो तो उस एड्रेस पे जो काम होना है, डेटा को ले जाना है या उस एड्रेस से डेटा को लाना है, वो चीज हमारी कहलाएगी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। काम तो डेटा पे ही होगा, जैसे STA 2070 का मतलब है एक डेटा 2070 पे ले जाओ, और 2070 पे ले जाना है मतलब यू आर स्पेसिफाइंग एड्रेस, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात ये नहीं हुई? ठीक है, अगला है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड है, आपने बचपन में या अभी भी खेल खेला होगा एक हाइड एंड ट्रेजर का गेम, या अपन ये कह सकते हैं जस्ट लाइक अपन वो कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कुछ सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, जिसके अंदर एक टास्क दिया जाता है। टास्क क्या दिया जाता है कि एक इंसान चलता है और उसको बोला जाता है कि तुम दूर उस गुफा में जाओगे तो उस गुफा में एक चिट्ठी मिलेगी, उस चिट्ठी के ऊपर एक पता होगा, उस पते पे जाके अगर तुम जाओगे तो वहां पे तुमको वो एक सुराही मिलेगी या कुछ मिलेगा, सोना मिलेगा, ऐसे लिखा होता है, ऐसे ही होता है। जैसे आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारे गेम्स में भी होता है कि आपसे बोला गया कि आप होप सर्कस पे जाओगे और होप सर्कस पे एक चिट्ठी मिलेगी, उस चिट्ठी पे आपको पता मिलेगा, उस पते पे डेटा है, उस पते पे आपका सामान है, ऐसे बोलते हैं। जैसे किडनैपिंग कर लेते हैं ना, किडनैपिंग में ये बोला जाता है कि आप नॉर्मली पेट्रोल पंप के बगल में जो घाटी है उस घाटी पे आके
वहां पे आपको एक बैग मिलेगा, उस बैग में जो पता है उस पते पे पहुंच जाना, ये बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है, आपने डायरेक्ट एड्रेस ही बता देते, आप डायरेक्ट एड्रेस ही बता देते ना, बताने वाला तो ये भी तो कह सकता था जहां पे सुराई मिलेगी या जहां पे सोना मिलेगा उसका पता डायरेक्ट ही बता दे भाई, तो उसका पता कहीं और स्टोर करके रख रहा है। तो जहां पे आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो कि भैया उस पते का, उस पते को हमने कहीं छुपा के रखा है, मतलब आप पता भी डायरेक्ट नहीं बता रहे, पता भी इनडायरेक्टली बता रहे, तो ये बोला जाता है कि आपका कोई डेटा आपको चाहे लेना हो चाहे देना हो, किसी एड्रेस से आना है और किसी एड्रेस पे जाना है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपका कोई डेटा किसी एड्रेस से आना है या किसी एड्रेस पे जाना है, ठीक है, और आप उस एड्रेस को किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करके बैठे हो और इंस्ट्रक्शन के अंदर उस ऑपरेंड को रजिस्टर पेयर से स्पेसिफाई कर रहे हो, तो ऐसे तो कहेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपका जो डेटा जहां आएगा, जहां से आएगा, मान लो किसी एड्रेस से आएगा या डेटा किसी एड्रेस को जाएगा, दोनों कंडीशन में आप एड्रेस बता सकते थे और आपने एड्रेस नहीं बताया, आपने ये बोला कि मेरा जो एड्रेस है जहां से आएगा या जहां को जाएगा वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है, मतलब आपने इनडायरेक्टली बात करी, वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है और मैं उस रजिस्टर पेयर का पता बता सकता हूं आपको। तो यहां पे हमने क्या करा, LDA 2000, LDA 2050, सपोज करो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं LDA 2050, ये मैंने लिखा इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब तो क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 2050 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में ले जाओ। अब मैंने लिख दिया LDAXB, और बी के बी और सी में 2050 पड़ा हुआ, बी और सी में 2050 पड़ा हुआ है, तो कहने की बात क्या हो गई, ये बोला मैंने कि एक्यूमुलेटर में उस एड्रेस से डेटा ले जाओ जो बी और सी द्वारा स्पेसिफाइड है, मतलब आपने घुमा फिरा के बात करी है, आप एक्यूमुलेटर में वो डेटा ले जाओ जो बी और सी स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो बी और सी किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, 2050 को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो 2050 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है, 80, मतलब कुल मिला के ये 80 एक्यूमुलेटर में जाना है, पर इसके लिए आपने घुमा फिरा के बात करी है। एक तरीका तो ये था कि आप एलडीए 2050 लिख दो, एलडीए 2050 लिखते ही वो समझ जाता है कि 2050 से मुझे कहां ले जाना है डेटा, एक्यूमुलेटर के अंदर ले जाना है, एक तरीका तो ये था, ठीक है, पर आपने 2050 को भी किसी रजिस्टर पेयर में डाल दिया और फिर रजिस्टर पेयर का पता बता रहे हो कि भैया मेरा जो पता है वो बीसी में छुपा हुआ है और उस पते पे से डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में ले जाओ। तो इस तरह की जो बातें घुमा फिरा के करिए इसको कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई तो यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर है वो एक ओपनेंड की तरह काम कर रहा है, क्लियर है, रजिस्टर पेयर जिसके अंदर एक एड्रेस छुपा हुआ है और उस एड्रेस पे डेटा प्रेजेंट है, कुल मिला के ये। अगला आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड जिसके अंदर ऑपरेंड एब्सेंट होता है, इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड एब्सेंट होता है, जैसे RAR, RAL, CMA, STC, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है जिनके अंदर ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं है, मतलब डेटा का सोर्स ही नहीं है कुछ, तो ऐसे को कहेंगे हम इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हुई बात, ये नहीं हुई, आगे चलते हैं। अब जब हमने इतने सारे इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लिए तब हम जाके आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। जब हमने एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेसर अगर किसी ऑपरेशन के लिए बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसको बोलते हैं सिस्क आर्किटेक्चर। अगर कोई भी प्रोसेसर या कंट्रोलर किसी एक ऑपरेशन के लिए बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जस्ट लाइक टेक द बात करें हम डेटा ट्रांसफर के लिए ही कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, MVI, मूव, LDA और LDAX, ये चार तरीके हो गए। MVI का मतलब है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मूव का मतलब है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, LDA का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और LDAX का मतलब है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
मतलब एक लेटर ट्रांसफर में चार लेटर से मोर सपोर्ट कर लिए, और फिर इनकी भी कैटेगरी बनी हुई है, मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा डी, मूव ए कोमा ई, मूव ए कोमा एच, मूव ए कोमा एल, मूव बी कोमा ए। इस तरीके से अगर देखें तो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हुए, और इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के आपके कान के बजे आपका डाटा ट्रांसफर है, आपको डाटा उठा के ले जाना, ठीक है, पर आप एक डाटा को ले जाने के लिए आपने इतने तरीके अपना लिए, तो इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर। पर अगर अपन घुमा फिरा के ना करके बात अपन सीधे लिख देते मूव सोर्स कोमा डेस्टिनेशन, सोर्स कोमा डेस्टिनेशन अपना पता लगाता डेटा कहां से आ रहा है, डेटा कहां को जा रहा है, केवल हमें तो ये कमांड लिखनी थी, तो चाहे खुद चल के आए, चाहे फिर वो किसी एड्रेस से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, हमें ये कमांड लिखनी थी। तो इसे कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। मतलब कोई ऑपरेशन अगर दो या तीन एड्रेसिंग मूव को सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट बहुत रिड्यूस होता है। जैसे डेटा ट्रांसफर की बात करें, डेटा ट्रांसफर की बात करें तो क्या बोलेंगे, मूव सोर्स कॉमन डेस्टिनेशन। अगर एडिशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, एड सोर्स कॉमन डेस्टिनेशन। तो बात यह है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपका रिस्क आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस हो गया है, क्योंकि उसमें एक या दो एड्रेसिंग या तीन एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करा, और रिस्क वो सिस्क आर्किटेक्चर में आपका इंस्ट्रक्शन सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर लिया है एक ही ऑपरेशन में। जैसे बात करें डाटा ट्रांसफर की, तो डाटा ट्रांसफर बहुत तरीके के हो गए। आप बात करें एडिशन की, तो एडिशन भी बहुत तरीके के हो जाएंगे। आप बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अलग अलग एड्रेसिंग मोड अगर कोई इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें भाई, भाई वर्ड है, अब ये भाई क्या है, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, तो ये जो हुआ वो है, ठीक है। अब एक लड़की सीधी बोल दे कि भैया मैं चचेरे भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, फिर मौसेरे भाई को राखी बांधने जाऊंगी, फिर मम्मी रे भाई को राखी बांधने जाऊंगी, तो वो अलग अलग तरीके से बोले तो हो गया कॉम्प्लेक्स, कि कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है ये लड़की जो अलग अलग बोली। और अगर वो लड़की सीधी बोल दे कि मैं तो भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, अब अपना स्पेसिफाई हो जाएगा कौन से भाई को बांधने जा रही है, तो दैट इज मूव सोर्स कोमा डेस्टिनेशन वाली बात हो जाती है। क्लियर है, थैंक यू।